हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों क्या हाल चाल है तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था साइनोबैक्टीरिया के बारे में तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर में माइक्रोप्लाज्मा और देखते हैं माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कि माइक्रोप्लाज्मा जो है उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था बच्चों माइक्रो को डिस्कवर किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने बच्चों नोकार्ड एंड रॉक्स जो हैं इन्होंने माइक्रोप्लाज्मो को डिस्कवर किया था ये एक्चुअल में कैटल की इन्होंने इसे एक कैटल से आइसोलेट किया उसका जो प्लूरल फ्यूज़न था प्लूरल फ्लूड था उससे इसे आइसोलेट किया था और इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम पी भी बोलते हैं तो बच्चों पी का मतलब है यहाँ पर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों क्योंकि इसे एक्सट्रैक्ट किया था एक कैटल से जो सब जिसको डिजीज़ थी कौन सी प्लूरोनिमोनिया इसका मतलब बच्चों माइक्रोप्लाज्मा जो है वो प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ कॉज करता है ठीक है बच्चों माइक्रोप्लाज्मा जो है बच्चों इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बच्चों इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है क्यों क्योंकि इसके पास में सेलवाल एबसेंट होता है और ये प्लियोमार्फिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड uh, ये ऑर्गेनिज्म जब बच्चों इसको बोरेल ने नाम दे दिया था एस्टेरोकोकस माइकोइड्स इसका नाम क्या दे दिया था एस्टेरोकोकस माइकोइड्स और बच्चों नोवाक ने नोवाक ने इसे जीनस माइकोप्लाज्मा में रखा था तो माइकोप्लाज्मा एक्चुअल जीनस जो बनाया वो किसने बनाया वो नोवाक ने बनाया था और ये जो एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स जिसको बोरेल ने बोला था उन्हें इन्होंने माइकोप्लाज्मा में रखा बच्चों माइकोप्लाज्मा जो है उसको हम एम एल ओ भी बोलते हैं जिसका नाम है मोलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म तो बच्चों पी पी एल ओ प्लोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एम एल ओ मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म और जोकर ऑफ प्लांट किंगडम ये सब बोलते हैं दीज आर समाइम प्लेस इन सेपरेट क्लास कॉल मॉलिक्यूटा मॉलिक्यूटा क्लास में इसलिए और माइक्रोप्लासमा जो है बच्चों इनसे प्लांट और एनिमल दोनों में इन्फेक्शन होता है दे इज जनरली फाउंड इन सॉयल बच्चों मोस्टली तो पैरासाइड होते हैं बट सेप्रोफाइटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं सॉयल सीवेज वाटर प्लांट एनिमल इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है बच्चों स्ट्रक्चर देखो आप तो बच्चों माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो यूनीसेलर है सिंपलेस्ट है स्मॉलेस्ट है बच्चों जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइक्रोप्लाज्मा या पीपीएल होता है दे डू नॉट हैव सेल वॉल एंड दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक जैसे कि अभी मैंने बताया आपको डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं प्लियोमार्फिक होते हैं एंड स्फेरिकल हो सकता है ग्रैनुलर हो सकता है फिलामेंटस कोकस ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर एंड इट इज जनरली इट इज़ ट्रायल एम इूनिट मेबरिन तो मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है यूनिट मेम्ब्रेन उसी उसी टाइप का है इन कल्चर कॉलोनीज ऑफ माइको प्लाज्मा शो करेक्टरिस्टिक फ्राइड आएगा पेरेंट्स बच्चों कल्चर मीडियम पे कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग कल्चर मीडियम पे ये जो है फ्राइड आएगा पेरेंट्स शो करते विथ एन ओपेक सेंट्रल एरिया एंड ट्रांसलूसेंट पेरिफेरल जोन जो पेरिफेरी होती है वो ट्रांसलुसेंट टाइप की होती है और जो सेंटर होता है वो ओपेक होता है तो इस टाइप से फ्राइड एग अपेयरेंस जो है आता है इनका द सेल आर जनरली नॉन मोटाइल बट फ्यू आर ग्लाइडिंग टाइप प्रोटोप्लाज्म जो होता है बच्चों वो प्रोकेरियर टिपिकल प्रोकेरियर जैसा ही होता है जहाँ पर राइबोसोम है वो सेवनटी एस टाइप का होता है और इनके अंदर फैटी सब्सटेंस प्रोटीन वगैरह ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं बच्चों फिर से यहाँ पर भी जूकेरेटिक सेल uh, के जैसे मेमरी बाउंड सेल जो ऑर्गेन वो एबसेंट होंगे लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओपन uh, होता है दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज इन न्यूक्लियस ई आर प्लास्टिक गोल्जी बॉडी लाइसोसोम लाइसोसमट्रोल ये सब कुछ एबसेंट होते हैं फ्लैजिला एबसेंट होते हैं ठीक है बच्चों माइक्रोप्लाज्मा के अंदर आर एन दोनों होते हैं और बच्चों आर नॉर्मली आर जो है वो तो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है और जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों वो सेवनटी टाइप के होंगे डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होगा लॉन्ग होगा बच्चों ये थ्रेड लाइक -like होता है और जनरली लीनियर डीएनए होता है डीएनए जो है वो कैसा होगा वो लीनियर डीएनए होगा एंजाइम्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रेप्लिकेटिंग डिस्क जो होता है बच्चों वो भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर प्लाज्मा डीएनए के एंड पे ठीक है बच्चों तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर नेचर की बात करते हैं माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट हैं और बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर जो है उसके थ्रू पास हो जाते हैं बच्चों उसका रीज़न है क्या कि इनके पास सेल वॉल नहीं है इसीलिए बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से आ, से, से क्रॉस कर जाते हैं इसके अलावा बच्चों दे दे कैन मल्टीप्लाई इन एबायोटिक मीडियम हैविंग स्टीरॉल स्टीरॉल की रिक्वायरमेंट होती है और बच्चों ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं इसलिए वायरस से अलग हैं ड्यू टू मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया दे आर सेड टू बी बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ इनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया जिनके पास सेलवॉल नहीं है इसलिए बैक्टीरियल विद देयर कोट ऑफ एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों हाइट्रोट्रॉफिक हैं मोस्टली पैरासाइटिक सम आर सेप्रोफाइटिक एंड बच्चों दे आर पैरासाइटिक बिकॉज दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर तो माइक्रोब्लास में गैलीसेप्टिकम जो है बच्चों वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जो प्रोकैरियोट है उसमें आता है एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव एनेरो बच्चों ये जो है फैकल्टेटिव एनेरोबिक है ठीक है बच्चों और एंटीबायोटिक की यदि हम बात करें तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन कैटेगरी के एंटीबायोटिक होते हैं जो कि सेल्वॉल सिंथेसिस इनिबीटर होते हैं बच्चों उसका इफेक्ट नहीं होगा इनके ऊपर बट अदर एंटीबायोटिक लाइक स्टेप्टोमायसिन एरेथ्रोमाइसिन क्लोरोमफेनिकॉल इन सब एंटीबायोटिक से इनके ऊपर इफेक्ट होता है और ये उसके लिए सेंसिटिव होते हैं यानी है कि हम बोल सकते हैं कि इट इज़ इनसेंसिटिव फॉर पेनिसिलिन देर इज सेलवॉल सिंथेसिस इनिबीटर बट अदर मेटाबोलिक इनिबीटर एंटीबायोटिक जो होंगे उनके लिए ये सेंसिटिव होगा ठीक है बच्चों और पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होने का इनसेटिव होने का रीज़न होता है कि इसके अंदर सेल आ, इसके अंदर सेल वॉल एबसेंट है तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर तो सबसे आउटर कवरिंग जो है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो कि ट्रायल मेम्ब्रेन जो होता है ट्रिपल एयर तो ट्र, आ, ट्रायल एमिलर जो है वो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा बच्चों और इसके अंदर साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम जो है वो सेवेंटी टाइप का होगा बच्चों इसके अंदर डीएनए जो है वो किस टाइप का है लीनियर टाइप का डीएनए है सोलबल आर एन एनजाइम्स ये सब प्रेजेंट है बच्चों एलिमेंट्री बॉडी जो है वो एक तरीके से इंटरनल बर्ड होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और इसके अंदर एप्लीकेट डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है बच्चों एलिमेंट्री बॉडी जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं यानी यहाँ पर रिपोडक्शन जो है वो बाइनरी फीजन से हो सकता है क्योंकि प्रोकेड है यूनिसेलर है तो बाइनरी फिजन से हो सकता है उसके अलावा एलिमेंट्री बॉडीज़ आर लाइक इंटरनल बर्ड बाई विच रिपोडक्शन कैन अकर इन माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा प्लाज्मा कॉजेज वेरियस डिजीज इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग बच्चों ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं कुछ प्लांट डिजीज उसके नाम जैसे विच इज़ ब्रूम एस्टर येलो बिंज, 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 लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल बंची टॉप ऑफ पपाया ऐसे डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं एनिमल में बच्चों प्लूरोनिमोनिया, कैटल्स के अंदर एंड जेनेटल का इन्फ्लामेशन और ह्यूमन के अंदर बच्चों इससे होता है इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन एंड प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया जो है बच्चों वो भी माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होता है ठीक है बच्चों तो ये हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा आर के बैक्टीरिया के यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल में इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है और अब हेखते हैं बच्चों इनके रिलेटेड कुछ questions. तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि रेस्टिंग स्पोर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीनेस आर कॉल्ड तो बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो क्या बनाते हैं तो बच्चों बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है एंडोस्पोर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं ओडिया जो होता है बच्चों ओडिया ये मोस्टली uh, तो फंजाई में बनते हैं बट कुछ एक्टेराम में भी बनते हैं क्लेमाडोसपोर फनजाई का है बच्चों एग्जोस्पोर जो है वो uh, यहाँ पर बैक्टीरिया uh, में नहीं बनते हैं एंड द सेल सेकंड क्वेश्चन बच्चों सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अबॉव बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होता है उसमें दो लेयर होती है आउटर लेयर जो है वो थिक लाइपोपॉलीसेकेराइड इनर लेयर जो है वो थिन म्यूकोपोलीसेकेराइड तो ये तो ग्राम निगेटिव में होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बच्चों म्यूकोपोलीसेकेराइड लेयर जो है वही बहुत थिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेलवॉल होगा म्यूकोपोलीसेकेराइड जिसको हम बच्चों म्यूरिन भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया डू नॉट पॉसिस साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं होता है बच्चों ये पूछ रहा है तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला थ्रू आउट लाइफ फ्लैजिला जो है वो नहीं बनता है जीन रिकॉम्बिनेशन होता है बच्चों क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती है प्लाजमिट जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों और लैम्लोसोम्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला नहीं होता है स्मॉलेस्ट नॉन मोनेरा लैकिंग सेल वॉल आर कौन सा मोनेरा है जिस जो स्मॉलेस्ट भी और सेल वॉल भी नहीं होता है बच्चों माइक्रो जो है वो स्मॉलेस्ट मोनेरा है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है ठीक है बच्चों तो आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में और किंगडम uh, मोनेरा में पर्टिकुलरली माइक्रो के बारे में आज हमने पढ़ा है बच्चों और किंगडम प्रोटिस्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप पढ़ते रहिए बाय बाय